हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, वोकेबलरी का सेशन चल रहा है आप लोगों का फ्रॉम एमबी बुक, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ मैं अभी तक आपको 2019 की वोकेबलरी करा चुका हूँ और 2018 की वोकेबलरी अब हमारी शुरू हो रखी है। आज हम पहुँच चुके हैं सेट नंबर 4 पर, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। और गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये सभी वोकेबलरीज आपकी ना केवल एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं जिनमें भी वोकेबलरी आपकी आनी है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी लेवल पर एग्ज़ाम हो। अगर उसमें अंग्रेजी आ रही है और वोकेबलरी आ रही है तो ये वोकेबलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। ऐसा मत सोचें कि ये आपकी एसएससी एग्ज़ाम में ही आएंगी। हाँ, ये बात सत्य है कि एसएससी एग्ज़ाम में इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगी, चाहे एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो, कोई सा एग्ज़ाम हो, इससे बाहर नहीं आएगी। लेकिन आपके एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध रहेंगी। और दूसरी बात गाइस, मेरे साथ में आपका एक फ्लो बना रहता है, तो इस फ्लो को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए वोकेबलरी। आज हम लोग बात करेंगे सेट 4 में आई हुई कुछ वोकेबलरीज की। पहला वर्ड है आपका सेट 4 में 10 नंबर पर, जो कि है आपका एक ईडियम। यस गाइस, ये ईडियम आपका द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्र को। किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, कब्र को, यानी कि कब्रिस्तान को। शिफ्ट यानी कि एक ऐसी शिफ्ट जिसमें रात को आपको जाना, क्योंकि रात को जो है कब्रिस्तान में जाना बड़ा खतरनाक माना जाता है। तो द ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है रात को 12 बजे से। देखिए बच्चों, जो लोग वर्क करते हैं आपको पता होगा गाइस, अभी तो फिलहाल जब जॉब लग जाएगी आपको, जब पता चलेगा, हालांकि एसएससी आपको ऐसी वर्किंग शिफ्ट नहीं देगी, लेकिन प्राइवेट में ऐसी शिफ्ट रहती है बच्चों, वहाँ पर 8-8 घंटे की शिफ्ट बदलती रहती है। तो ये 12 से 8 की रात की शिफ्ट होती है, बड़ी खतरनाक शिफ्ट होती है। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर राजकुमार हु वर्क्स इन हैदराबाद वाइजैक स्टील प्लांट, तो उसकी शिफ्ट जो है इसी तरह चेंज होती रहती है 8-8 घंटे की, तो बड़ा ही परेशान रहता है वो। लेकिन क्या करेंगे, इस काम तो करना है यहाँ पे। तो द ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है बच्चों नाइट शिफ्ट, यानी कि रात को 12 से सुबह 8 बजे तक काम करना। वर्किंग एट द टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज रेस्टिंग, उस समय काम करना जब सब जने रेस्ट कर रहे हों। वर्किंग द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, बिल्कुल सही बात गाइस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। एन एनर्जी शेपिंग शिफ्ट दैट फास्ट टायर्स यू आउट वर्किंग ओनली एट मिडनाइट एवरी डे, बिल्कुल नहीं गाइस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस, जिस किसी को भी PDF इसका लेना हो, वह हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इंग्लिश अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, और वहाँ पर सभी वीडियोज़ का PDF पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकता है। अगला है बच्चों स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यानी किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात सुनना जिसे बात की पूरी जानकारी ना हो, पूरी जानकारी हो, सॉरी माफी चाहूँगा, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से कोई न्यूज़ सुनना जिसे पूरी जानकारी हो। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यानी कि बिल्कुल सच्ची खबर मिलना, सही बात तो ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज़ मिलना। कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए आपको न्यूज़ मिली, वो आपको घूम करके मिली है, मेरे द्वारा मिली है, फिर मुझे किसी और से मिली थी और उसे किसी और से मिली थी, तो यहाँ पे बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से छोंक दी जाती हैं। तो आपको डायरेक्ट न्यूज़ मिली है, तो जरा देखते हैं इसका ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट हो सकता है। बिलीव समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल नहीं। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, बिल्कुल, जिसके पास डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज हो। गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉपुलर टेलीविजन चैनल, बिल्कुल नहीं बचो। और हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ मैनी फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, इस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों न्यूमरस। जैसे कि बच्चों पचल ही रहा है, न्यूमरस यानी कि नंबर जैसा वर्ड लग रहा है देखने में, तो इसका मतलब हो जाएगा असंख्य, अनेक, मात्रा में बहुत सारा। तो गाइस यहाँ पर आपको बताना है एंटो। कल बच्चों एक वीडियो में हमसे एक गलत वर्ड बता दिया गया, ब्रिस्क का एंटोनिम, मैंने वहाँ गलती से गलत बता दिया, उसके लिए माफी चाहूँगा। वहाँ पर इसका एंटोनिम स्लो ठीक कर लें आप लोग, वहाँ पर एक बाय मिस्टेक हम लोग गलत बता गए। बच्चों गलती हो जाती है, जब वीडियो बनती रहती है तो फ्लो में क्या निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता है। तो गाइस यहाँ पे न्यूमरस का मतलब है असंख्य, अब यहाँ पे बताना है एंटोनियम्स। क्या बताना है बच्चों यहाँ पे हमें? एंटोनियम्स यानी कि असंख्य का उल्टा होगा बहुत कम। पहला वर्ड है अनकाउंटेबल यानी कि जिसे गिना ना जा सके, यानी कि मात्रा में बहुत ज़्यादा, तो ये तो आंसर होने से रहा। स्कार्स यानी कि कम, यही इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। ओकेजनल मतलब कभी कभार कोई चीज़ होने वाली, और सेवरल मतलब कई बार, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस अगला वर्ड है प्रोहिबिशन। गाइस प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना,
कहीं जाने से, कुछ काम करने से, प्रोहिबिशन यानी कि एक तरह का प्रतिबंध। क्या है बच्चों? प्रतिबंध। लेकिन यहाँ बताना है साइनोनियम। साइनोनियम मतलब उसी के जैसा आपको वर्ड बताना है। पहला वर्ड है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना, जो कि इसका आंसर आपका नहीं हो सकता है। गैस डिक्लेरेशन मतलब कोई ऐसी घोषणा करना यानी कि डिक्लेयर करना। कुल मिला के बात यह है गैस, डिक्लेयर से बना है आपका डिक्लेरेशन, ये इसका नाउन बना दिया गया है इसका, और कुछ नहीं है गैस। तो यहाँ पे ये इसका आंसर तो होने से रहा। अगला वर्ड है एसरेशन, ASSERTION, यानी कि एसरेशन मतलब एक ऐसा कथन जो बिल्कुल दृढ़ हो, जो बोल दिया सो बोल दिया, बिल्कुल कह दिया तो कह दिया। तो गैस ये इसका आंसर होने से रहा। अगला है एक्सक्लूजन। गैस ये इसका आंसर हो सकता है जो प्रॉपर मीनिंग देने लायक लग रहा है मुझे। एक्सक्लूजन मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना, प्रोहिबिशन मतलब इस तरह का ही बर्थ हो। तो गैस यहाँ पे इसका 35 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, और डिक्री मतलब कमी करना, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड बच्चों बहुत ही शानदार और बहुत ही कॉमन सा वर्ड है नॉलेज, जो बचपन से आप आज तक पढ़ते आ ही रहे हैं। गैस नॉलेज मतलब एक तरह का ज्ञान या समझ, परख की चीज़ की होना। गैस बताना है आपको उल्टा। तो गैस इग्नोरेंस बिल्कुल ध्यान ना देना, पहला ही वर्ड मुझे लग रहा है इसका अपोजिट हो जाएगा। गुडनेस मतलब अच्छाई। इसेंट्रिसिटी, गैस इसेंट्रिक होता है वर्ड, इसेंट्रिक बोलते हैं सनकीपन को। किसको बोलते हैं गैस इसेंट्रिक? किसी चीज़ के प्रति सनकीपन, सनकपन, इसेंट्रिक, इसेंट्रिसिटी, इसी का ही वर्ड हो जाएगा, सनकीपन से ही जुड़ा हुआ हो जाएगा वर्ड। तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड गैस आपका हो जाएगा यहाँ पे इलिटरेसी, यानी कि अनपढ़ को बोलते हैं गैस इलिटरेसी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही पूरी तरह से करेक्ट, क्योंकि आपको बताना था एंटोनियम्स। अगले वर्ड देखिए गैस, यहाँ पे दो वर्ड एक साथ हैं, पहला एंटोनियम से दूसरा इडियम है। वर्ड है आपका डिस्पेरेट, वर्ड है आपका डिस्पेरेट। गैस डिस्पेरेट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, क्या होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। याद रखिए डिस लगा हुआ है आपके यहाँ पे, उसकी रेट आप बाजार में पता करने गए तो सबने आपको रेट अलग अलग बताए। यस गैस, किसी ने बताया कुछ, किसी ने बताया कुछ, तो डिस्पेरेट जो है सब अलग अलग बता रहे हैं। अब गैस पहला वर्ड है कलेक्टेड। कलेक्टेड मतलब होता है संग्रह करना, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। इंडिफरेंट, गैस इंडिफरेंट मतलब एक तरह से इसके दो मतलब होते हैं, इंडिफरेंट मतलब अलग भी और उदासीन भी, तो ये इसका आंसर होने से रहा। काम माने शांत, सिमिलर मतलब एक जैसा। अभी ऊपर आप कह रहे हैं कि डिस्पेरेट यानी कि अलग अलग भिन्न, और नीचे कह रहे हैं एक जैसा, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि 71 का आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस आपका एंटोनिम्स टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी बात को संदेह की नज़र से देखना। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी बात को संदेह की नज़रों से देखना। नॉट ईट समथिंग अनटिल यू एड सॉल्ट टू इट, जब तक ना खाना जब तक उसमें नमक ना मिल जाए। कुछ लोगों को आदत होती है हर चीज़ में नमक गिरे खाने की, सब्जी में जाए कितने नमक हो, लेकिन वो अपनी तरफ से नमक जरूर गिरेंगे सब्जी में, रायते में, हर जगह, मतलब आदत बन जाती है। और कंप्लीटली डिसबिलीव एनीथिंग दैट यू आर टोल्ड, अभी देखते हैं शायद। अगला है गाइस इमीडिएटली एक्सेप्ट समथिंग दैट इज़ नॉट सॉल्टेड, बिल्कुल नहीं। और नॉट बिलीव कम्प्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, बिल्कुल जब तक विश्वास ना करना जब तक आप उस पर पूरी तरह से ना यकीन कर दें। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस डैश, DASHED, 89 नंबर पर है आपका। यानी कि डैश का मतलब होता है गैस एक तरह से कहना कि किसी की आशा को आपने तोड़ कर रख दिया, बिल्कुल कहते ही बस उसकी आशा को जो है, उम्मीदों को आपने चूर चूर कर दिया, जो भी उससे आपकी उम्मीद थी वो सब चूर चूर हो गई हैं। तो गैस पहला वर्ड है वीकन मतलब कमज़ोर करना। अनकरेज मतलब मजबूत, प्रोत्साहित करना किसी को, उसको और दिलासा देना, तो ये इसका आंसर हो सकता है बिकॉज बताना है एंटोनियम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी पूरी तरह से करेक्ट ही। और डेस्ट्रॉयड मतलब तबाह करना, जो कि इसका आंसर होने से रहा। और गाइस उससे अगला वर्ड है आपका प्रोड्यूस, पैदा करना, जो कि इसका आंसर होने से रहा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब किसी चीज़ का और ज़्यादा जटिल हो जाना, कठिन हो जाना। तो गाइस यहाँ पर आपको बताना है सिनोनियम्स, थोड़ा सा ये ध्यान दिया करें गाइस, मेरे से भी कई बार गलत निकल जाता है। कल ही एक वर्ड गलत हुआ है जिसको एक बच्चे ने हमारे बताया मुझे, तो मुझे पता भी ना चलता। अच्छा है गैस आप लोग भी चेक करते रहा करें, अगर कुछ ऐसा मेरे मुँह से गलत निकल रहा है तो आप बता दिया करें, कोई गलत वाली बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आप लोग। देखिए गलती इंसान से होती है, ये कहावत भी है टू एर इज ह्यूमन, तो गैस गलती हमसे नहीं होगी तो किससे होगी गैस। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहा करें। पहला वर्ड है गैस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम्स ही पूछ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है डिसऑर्गेनाइज। गाइस डिसऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित, डिस मतलब अपोजिट, तो डिसऑर्गेनाइज मतलब किसी को अव्यवस्थित तरह से रखना, जो कि इसका आंसर नहीं होगा।
और जंबल मतलब उल्टा सीधा और लेंथी मतलब लंबा, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड फिर से आपका सिनोनिम्स का ही है, वर्ड है आपका अल्टरेशन, वर्ड है अल्टरेशन गाइज, अल्टरेशन वाला होता है बदलाव, वर्ड बना है अल्टर से, अल्टर वर्ड है आपका एक अल्टर उससे बना है ये, अल्टर मतलब एक्सचेंज करना किसी चीज़ को, अल्टर मतलब बदलाव करना, एक्सचेंज करना, तो अल्टरेशन मतलब बदलाव एक्सचेंज करना, तो मॉडिफिकेशन पहला वर्ड है बिल्कुल हो सकता है गाइस इसका, एडजस्टिकेशन एडजुडिकेशन सॉरी माफी चाहूँगा बच्चों यहाँ पे निर्णय एक तरह से हो जाएगा ये। यस अगला वर्ड है आपका मॉडुलेशन, तो गाइस मॉडुलेशन मतलब स्वर में परिवर्तन करना अपने, और कॉन्सिलेशन मतलब सलह किसी चीज़ की सुलह करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस ये आपका लास्ट वर्ड है शायद 95 नंबर पर, वर्ड है आपका ओवरहेलमिंग, यस गाइस ओवरहेलमिंग मतलब जबरदस्त या शानदार तरीके से, अब गाइस आपको बताना है इसका सिनोनिम्स, ओवरहेलमिंग का मतलब होता है गाइस जबरदस्त या शानदार तरीके से, अब गाइस आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका इंप्रेसिव जो कि है शानदार, अगला वर्ड है स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब बच्चों मारना चोट मारना भी और शानदार भी दोनों होते हैं इसके, उससे अगला वर्ड है गाइस आपका ऑसम, ऑसम मतलब भी शानदार, और मोर्टिफाइंग गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मोर्टिफाई इसका मीनिंग बता दूँ बच्चों आपको, मोर्टिफाइंग मतलब बच्चों किसी को शर्मिंदा करने वाला, शर्मिंदा करने वाला, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया यस, या फिर इसके ऑप्शन गलत देना भूल गए, क्योंकि यहाँ पे इस सवाल के एक नहीं दो नहीं पूरे तीन आंसर हैं अच्छे खासे, और ऐसा हो नहीं सकता, तो गाइस यहाँ पर ये तीन आंसर होने से रहे तो आपका फ़िलहाल मैं इसका आंसर देने में असक्षम हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा फिलहाल, मैंने आपको मीनिंग बता दी है, एग्ज़ाम में अगर ऐसा होता है तो आप कोई सा भी लगाएंगे आपको नंबर मिलेंगे, लाइक मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए तो आप एग्ज़ाम में जो भी इसका आंसर लगाएंगे चाहे ए लगाएं चाहे बी लगाएं चाहे सी लगाएं आपको तीनों के ही नंबर मिलने वाले हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए गाइस, इस गाइस फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। गाइस अगला वर्ड है डिसटेस्ट, वर्ड है आपका डिसटेस्ट, गाइस डिसटेस्ट मतलब किसी को नापसंद करना यानी कि तरह से घृणा करना, यानी कि जो आपके टेस्ट की ना हो, कुल मिला के बात ये है आपको कुछ और पसंद है और दे दिया गया है कुछ और, तो डिसटेस्ट, तो गाइस घृणा करना। अब यहाँ पे सिनोनिम बताना है आपको, सिनोनिम बताने के लिए मेरे पास पहला वर्ड ही है लोथ माने घृणा करना जो कि हो जाएगा इसका आंसर, न्यूट्रल मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहना बिल्कुल सामान्य रहना, ना किसी से घृणा करना ना किसी से दोस्ती करना इस तरह से, टेस्टलेस मतलब स्वादहीन, यस गाइस टेस्टलेस होता है गाइस ऐसी कोई चीज़ जिसमें कुछ स्वाद ना हो, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा, और बैनल मतलब इस तरह से नीरस जिसमें कुछ भी ना हो, तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लोथिंग ही। अब गाइस अगला वर्ड है हमारे पास में डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ये एडियम एक जिसका मतलब होता है तुरंत बिना किसी देरी के, यस किसी काम को तुरंत एवं आसानी से कर लेना बहुत जल्दी कर लेना, तो यहाँ पे डू समथिंग विदाउट वेयरिंग अ हैट ये तो खैर मतलब ही नहीं बैठता, डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, और डू समथिंग वेयरिंग अ हैट बिल्कुल नहीं, डू समथिंग दैट रिक्वायर्ड ग्रेट प्लानिंग बिल्कुल नहीं गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट, और यहाँ होते हैं आपके ये वोकैबुलरी सभी फिनिश। सो गाइस ये था आपका आज का सेट नंबर 4 SSC स्टेनोग्राफर में आया हुआ जो कि 2018 में पेपर हुए मतलब फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म पेपर तो ये 2019 में ही हुए होंगे, एक साल पीछे चलता है आपका, आपको पता ही है MB बुक में, तो यहाँ पर ये 2019 में पेपर आपके हुए होंगे उसकी वोकेबलरी है, जो इससे पहले मैंने आपको कराई थी वो 2020 में आए हुए सेट की वोकेबलरी थी एक तरह देखा जाए तो। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें भैया, मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम व्यूज़ आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, या तो आपको वीडियो से मज़ा नहीं आ रहा है या फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है गाइज। सो फिर गाइज ऐसा मत कहिएगा मुझे कि आपने सीरीज बीच में क्यों रोक दी, क्योंकि अगर हौसले नहीं मुझे मिलेंगे आपकी तरफ से तो फिर तो भैया मेहनत करना बेकार है मेरा, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक तो कम से कम कर ही दिया करें आप लोग, यस थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करें कि वीडियो कैसी लग रही है आपको कैसी नहीं लग रही है। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।